यही है गुरुद्वारा। बहुत ही खूबसूरत है ये गुरुद्वारा, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है इस तरफ। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नहा धो के फ्रेश होके अभी निकल रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ नानक जीरा साहिब गुरुद्वारा बीदर। जी हाँ, ये कर्नाटका पे है ये गुरुद्वारा, तो काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है और इंडिया के हर कोने कोने से यहाँ पर लोग गुरुद्वारा को देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो इसीलिए मैं भी अभी निकल रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा गुरुद्वारा आप लोग को मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारा में। ये आप पीछे देख पा रहे हैं, यही गेट है, यहाँ से मुझे अंदर इंटर होना होगा। अंदर भी एक बहुत बड़ा गेट मिलेगा, लेकिन यहाँ से इंटर होना पड़ेगा। यहाँ पर एक दूसरा रोड आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफिस है और अंदर होने का गेट यही है मेन वाला। इस तरफ पार्किंग भी है और लगेज रूम भी है। यहाँ पर बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, दारू वारू टोपी वोपी अपना खुद का लगा के गुटखा वुटखा लेके मत आइएगा। यहाँ पर आपको चप्पल जूते सब उतार के अंदर जाना होगा, क्योंकि यहाँ के अंदर आपको चप्पल जूता कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं है। इस तरफ आपको जेंट्स एंड लेडीज़ टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी और यहाँ पर आपको फ्री वाला ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है ये गुरुद्वारा, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है इस तरफ। इस तरफ कुछ पार्क जैसा बना के रखा हुआ है, ताकि जो भी लोग बाहर से आते हैं थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करें, आराम करें। स्विमिंग पूल देखने के लिए मुझे भी अंदर आना पड़ा, और अंदर इसको लगा के आ सकते हैं आप, वरना नहीं आ सकते। स्लीपर व्लीपर सब बाहर रख के मैं आ गया। पीछे आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ से अच्छा दिखता है गुरुद्वारा पूरा, आप लोग को दिखाई देगा। तो पीछे आप लोग देख रहे होंगे, यही है गुरुद्वारा। तो दोस्तों, वीडियो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये गुरुद्वारा, नीचे कमेंट करिएगा। और पता है आप लोगों को क्या करना है।